वेलकम टू माय चैनल मेहरबान फैमिली। कैसे आप सभी, आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो जी आज है संडे और दोपहर का टाइम हो रहा है, तो लंच वंच करके रेस्ट कर रही थी मैं, और गुड्डू ने बोला कि मम्मी आज ना बेसन के हलवा खाने का मन कर रहा है, तो आज मैं उसके डिमांड पर बनाने जा रही हूँ रसोई में बेसन का हलवा। तैयारी मैंने कर दिया शुरू में, देखिए कढ़ाई मैंने रख दी है, उसमें बेसन डाल दिया है और इसमें घी डाल के इसको भूनती हूँ। ये देखिए मैंने भूनने रखा हुआ था, तो आज इनका मन करा बच्चों का, छुट्टी है तो आज मैं बना कर दे दूंगी। और दिन तो मैं भी बिजी होती हूँ और ये भी बिजी होते हैं, तो कि चलो सोचा कि आज डिमांड कर रही है बेटी इतने दिनों के बाद, तो उसको बना कर दे देती हूँ। तो ये घी रखा हुआ था पहले का, इसी में बना रही हूँ। वैसे आज मैंने जो है ना मलाई भिगोई थी, तो ताज़ा घी भी बनाया है, तो वो रख दिया मैंने इसमें। ये देखिए ये आज का ताज़ा घी बना रखा है, और तो ये घी भी यूज हो जाएगा जो पहले का है। अभी देखिए इसमें भुन रहा है बेसन, आज टेस्टी सा तो हलवा बना के खिलाऊंगी बच्चों को। तो घी डाल दिया, ये इसमें हो गया ऑब्जर्व, और डाल देती हूँ क्योंकि बेसन के हलवे पे जो है घी ज्यादा डलता है, उतना ही टेस्टी बनेगा जितना इसमें घी डलेगा, तो बेसन का हलवा तो घी से अच्छा बनेगा। तो थोड़ा थोड़ा करके घी डालते जा रही हूँ, और जैसे घी खत्म हो रहा फिर और डाल देती हूँ। वो पहले वाला घी तो मैंने सारा डाल दिया, अब इसमें सब डाल देती हूँ थोड़ा सा। तो देखिए ताजी ताजी घी बनाऊंगा घर का, अब फिर इसको मैं ऐसे ही चलाऊंगी। अब हो गया इसमें काफी घी, देखिए अभी बहुत बढ़िया। अब ये जो है ना बेसन भुनेगा, जैसे जैसे भुनेगा ना तो ये फूलने लगेगा। अब ये देखिए फूलना हो गया स्टार्ट, अब इतने जो है ना एक तरफ मैं चाशनी बनाने रख देती हूँ, गैस मंद कर देती हूँ पहले तो। तो अब ये देखिए मैं गैस ऑन कर देती हूँ, और ये इस डोंगे में ले लिया ना पानी, तो मैं इसको रखती हूँ गैस पर ऑन करके। ले लीजिए रख दिया, चाशनी इधर तैयार हो जाएगी। ये चीनी है, इतना ही मैंने बेसन लिया था, इससे थोड़ा सा ज्यादा होगा बेसन, और उससे कम थोड़ी सी चीनी है, क्योंकि बेसन के हलवे में बराबर का सा मीठा डलता है, थोड़ा बहुत ही कम होता है। अभी मैंने डाल दिया, अभी उबल के तैयार हो जाएगी चाशनी, और इसमें डाल देती हूँ दो चार छोटी हरी इलायची, से बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है हलवे में। और इधर देखिए ये जो है मंदी गैस कर रखे मैंने, और देख भुनने लग रहा है ये धीरे धीरे, ये भुन ही जाएगा थोड़ी बहुत देर में, दो चार मिनट में ही अच्छे से भुन जाएगा, इतने इसकी चाशनी तैयार हो जाएगी। अब मैंने इसमें कूट के डाल देती हूँ, तो ये कूट दिया मैंने, लेकिन ये छिलके नहीं डालूंगी क्योंकि बच्चों को ये छिलके पसंद नहीं है, बच्चों के फिर कहते हैं मम्मी मुंह में हरे हैं, तो इसलिए खाली दाने दाने डालूंगी इलायची के, इन्हें तो मैं चाय में डालूंगी बाद में। तो ये सारे इसके बीज निकल चुके हैं, ये देखिए ये इतने बीज हैं, इसमें डाल दूंगी, और थोड़ा सा ड्राई फ्रूट डालूंगी, ड्राई फ्रूट में काजू रखे हुए हैं वो डाल दूंगी, और तो बाकी चीज बच्चे डलवाते नहीं है। तो देखिए हलवा जो है ये बेसन भुन गया है अच्छे से, कलर बदल गया इसका, गोल्डन ब्राउन हो गया है। इधर चाशनी भी तैयार होने लग गई है, अभी उसको डाल दूंगी मैं, अभी थोड़ी सी और पकने दूंगी चाशनी को। ये काजू है ये डाल दूंगी इसी में, ऐसे डाल दूंगी, अभी थोड़े से रोस्ट हो जाएंगे। तो देखिए इधर चाशनी भी तैयार हो गई, उबल गई है, इधर बेसन भी अच्छे से भुन गया है। अब मैं इसकी गैस बंद करके और फटाफट इसमें डालती हूँ, तो ये थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी, क्योंकि ना फिर एकदम से डाल दूंगी ना तो गांठ पड़ जाती है बेसन में या सूजी में, जो भी हलवा बनता है उसमें थोड़ा थोड़ा करके डालना पड़ता है पानी। तो देखिए अभी थोड़ा थोड़ा डालती जाऊंगी और ये चलाती जाऊंगी इसको। अब गैस थोड़ी सी तेज कर दी है, और ये देखिए अब हलवा बन के हो जाएगा तैयार। ये देखिए 15 मिनट में हलवा बन गया है, अब इसको थोड़ा सा और चलाऊंगी,
क्योंकि चाशनी में फूलेगा बेसन। तो ये देखिए जी, मैंने हलवा बना के कर दिया तैयार। अब मैं सर्व करती हूँ, दोनों बच्चों को खिलाती हूँ, फिर ये बताएंगे खाके कि कैसा बना है। गैस का भी बंद, ये डलिया गर्मा गर्म हलवा। ले लू चम्मच, ये देखिए। अब मैं चिंटू को देती हूँ जाके, और साथ में गुड्डू भी खाएगी। गुड्डू के लिए अलग डाल दूंगी। हलवा बना दिया मैंने बेसन का, खाके और बताओ कैसा बना है। जरा मैं बेटा थोड़ा सा फूट मार के खाइयो ना, अभी चिंटू खा के बताएगा हलवा कैसा बना है। बताओ कैसा बना हलवा। तो जी हलवा चिंटू ने खाया और बताया कि अच्छा है, लेकिन अभी थोड़ा गर्म है तो थोड़ा सा धीरे धीरे करके खाएगा फूट मार के। खा ले बेटा, वैसा टेस्ट में बढ़िया बन रहा है। ऊपर आ गई हूँ मैं, चिंटू कुछ कर रहा है। चिंटू क्या कर रहा है बेटा, दिखाइए। अच्छा चिंटू लग रहा है ना गेम खेलने में, क्योंकि आज छुट्टी है तो आज ये भी फ्री था, तो आज ये ट्यूशन नहीं गया है। और अब मैं जा रही हूँ छत पर। चिंटू चलेगा तू छत पर कपड़े धोए थे वो इकट्ठे करने के लिए, चलना। चलो जब चल रही हूँ छत पर, कपड़े इकट्ठे करती हूँ छत पर चलकर। हवा चल रही है तेज, तेज चल रही है, तो जो कपड़े सुखाए थे कुछ कपड़े नीचे भी गिर गए, इनको भी उठा लेती हूँ। कपड़े धोने जब आए थे ना छत पे, तो सारे पौधों में पानी दे दिया था। तो देखे छत पे कितने सुंदर सुंदर फूल हो रहे हैं, कई तरह के हो रहे हैं। इधर हमने गिने थे कम से कम 13-14 तरह के फूल लगे हैं हमारी छत पर। अब देखे सुबह तो इतने अच्छे खिल रहे थे, अब फिर इनमें पानी देकर जाती हूँ, क्योंकि अब गर्मी का समय ज़्यादा हो गया है, तो इसलिए जो है ना दिन में 2 बार पानी दिया करेंगे, 1 बार सुबह और 1 बार शाम में। तो लगती हूँ पानी देने के लिए। ये देखिए कितने मोटे मोटे फूल हो रहे हैं, गेंदे के बहुत सुंदर फूल लग रहे हैं ये। और ये वाइट रोज है, ये पूरा भरा हुआ है, देखिए गमला बना हुआ है बाल्टी। ये पानी डालने लग गई, तो बिल्कुल सूखी तो नहीं है मिट्टी, पर फिर भी थोड़ा थोड़ा डाल देती हूँ, शाम के टाइम भी पानी डल जाएगा। ये देखे नींबू के जो ये पेड़ है, छोटे से पौधे में लगने लगे खैर नींबू। ये देखिए फूल निकलने लगे अब इसमें, अब इसमें फिर नींबू लगेंगे।
और ये जो दो तीन नींबू है ये भी पके नहीं है, एक ये है छोटा, मतलब छोटे साइज के नींबू लग रहे हैं अभी इसमें, अभी ये धीरे धीरे बढ़ेंगे। ये देखिए, ये देखिए, तो अभी तो इनको नहीं तोड़े। अरे एक ये रहा, ये देखिए बिल्कुल पक रहा है, इसको तोड़ लेती हूँ उस नींबू को, तो इसको तो मैं तोड़ती हूँ। कपड़े सारे इकट्ठे कर दिए हैं, पौधों में पानी दे दिया है, थोड़ी देर यहाँ वॉक कर ली है, अब जाती हूँ नीचे क्योंकि नीचे का काम है शुरू, क्योंकि बच्चों को दूंगी दूध गर्म करके और फिर दूध लेके भी आना है शाम के खाने की तैयारी, तो अब हम चलते हैं नीचे।